लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। कम अस्सलाम वालेकुम सजनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पर टिकटॉकर्स ठीक नहीं है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि क्या हुआ है। टिकटॉक बैन कर दिया यार, नहीं मतलब सच में कर दिया, कोई ख्याल नहीं किया। पीटीए को डोली फैशन के चेहरे की मसूमियत पे जरा तरस नहीं आया, टिकटॉक ही बैन कर दिया। पीटीए को जरा भी ख्याल नहीं आया कि एलेक्स बट्टी के 80,000 से ज्यादा लगाए गए ठुके जाया चले जाएंगे, टिकटॉक ही बैन कर दिया। अरे अभी कल परसों ही जन्नत मिर्जा के 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे, उसने तो अभी पूरी तरह से सेलिब्रेट भी नहीं किया और तुमने टिकटॉक बंद कर दिया। पीटीए तुमने जरा भी नहीं सोचा कि सबकी लाडली अरिका हक्का क्या बनेगा, तुमने टिकटॉक ही बैन कर दिया। टिकटॉक की अभी पूरी तरह से हुकूमत ही बनी थी, अभी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या अभी बिल्ड हो रहे थे और वो सारी हुकूमत ही गिरा दी, टिकटॉक ही बैन कर दिया। वो जुल्कर नैन कवल आफ्ताब वगैरह लोग दुबई में घूमने गए हुए हैं, जन्नत मिर्जा भी पता नहीं कहाँ घूमने गई हुई है, एलेक्स बट्टी भी निकला हुआ है, अली हैदराबादी भी पता नहीं वापस आ गया है कि वही है। अगर किसी के पास इनका कॉन्टेक्ट नंबर है ना तो इन्हें कॉल करके कह दो कि वहीं पे जितनी टिकटॉक चलानी है ना वहीं पे चला लो। पाकिस्तान में पीटीए ने टिकटॉक बैन कर दी है। नहीं 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 यार अब सीरियस, ओके अब सीरियस। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन कर दी गई है। अगर तुम अभी अपने मोबाइल से टिकटॉक को चलाओगे ना तो वो चलेगी नहीं, और जैसे टीवी के रिमोट को चपेड़े मार के चलाते हैं ना वैसे भी अगर चपेड़े मार के मोबाइल को चलाओगे तो टिकटॉक नहीं चलेगी, क्योंकि पीटीए ने टिकटॉक बैन कर दी है। टिकटॉक बंद करने के फैसले पर आज ही रद्द अमल आना भी शुरू हो गया है, आज से ही अमल दरामद किया जाएगा, टिकटॉक बंद कर दी जाएगी। टिकटॉक के शौकीन खातिन हजरात के लिए बुरी खबर है, पाकिस्तान में टिकटॉक बंद करने का फैसला कर लिया है, टिकटॉक बंद करने के फैसले पर आज ही अमल दरामद। पाकिस्तान में पहले तो इंडिया में टिकटॉक बैन हुई थी, वहां तो चलो माना का कोई और मसला था उस वजह से बैन हुई, पाकिस्तान में है भी टिकटॉक बैन कर दी है। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूंगा, टिकटॉक वालों से को मेरी जाती जद्दी पुश्ती दुश्मनी नहीं है, सारे टिकटॉकर्स हमारे वो दोस्त है जिन्हें तंग करने में बड़ा मजा आता है। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि पीटीए ने कहा है कि हमने टिकटॉक को बहुत दफा कहा था कि जो भी ऐसा मवाद है वो टिकटॉक से हटा लो, पर इसने हमारी बात को इग्नोर मारा और हमने इसका ऐप ही उड़ा डाला। जिस रफ्तार से पीटीए रोज बरोज कोई ना कोई ऐप, कोई ना कोई ऐड, कोई ना कोई वेबसाइट बंद कर रही है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरा आपका भी साथ कुछ दिनों का ही है, क्योंकि जिस दिन पीटीए की माजी सटक ली तो यूट्यूब भी गया, क्योंकि पीटीए ने तो यूट्यूब को भी वार्निंग दी हुई है कि अपना मवाद हटा लो, अगर यूट्यूब ने इसको इग्नोर मार डाला तो लाइफ नॉट जींगा लाला। नहीं मतलब यार यूट्यूब भी अगर वहां से वो मवाद नहीं हटाता तो कल को क्या तुम यूट्यूब बैन कर दोगे? कुछ तो बताओ, साडा तो फिर मरना हो गया ना। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अगर कभी YouTube बंद हो भी गई ना तो VPN लगा के वहां पे आ जाना, ओके थैंक्स मी लेटर। अच्छा तो बात हो रही थी YouTube बैन, अल्लाह माफ करे TikTok बैन होने की। तो यार TikTok बजाते खुद कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसे बंद होना चाहिए, TikTok पे कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हरकतों को काबू करना चाहिए था जी। अगर यही लोग कल को Instagram, Twitter या Facebook पे आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है पीटीए तो इनको भी उड़ा डालेगा। पर यहाँ पे ये एक गलती दोनों साइड से है, ऐप की तरफ से भी है और लोगों की तरफ से भी है। लोगों की तरफ से तो है ही, पर यहाँ पे TikTok ऐप की एक ज्यादा गलती है, वो ये कि यहाँ पे कोई फिल्टर सिस्टम, कोई प्रोसेसिंग सिस्टम है ही नहीं। अगर लाया भी गया तो वो बाद में, और तब तक वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका था। जैसे TikTok पे तुम देखोगे ना कि कोई भी असला उठा के फिर रहा है, कोई भी किसी को मार रहा है, कोई भी किसी भी किस्म की डिस्कस्टिंग वीडियो बना रहा है, वो वहाँ पे डाल सकता है। पर YouTube पे ऐसा नहीं है, YouTube पे ये है कि यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक वीडियो बनानी पड़ती है और वो वहाँ पे डालनी पड़ती है और वो प्रोसेसिंग के बाद पास होती है जी। अगर कुछ ऐसा पास आउट होने के बाद कहीं आगे निकल भी जाती है कोई वीडियो, तो अगर कोई उसकी रिपोर्ट करेगा तो वीडियो वो बंद हो जाएगी जी। पर TikTok पे तो कुछ ऐसा था ही नहीं, जो मर्जी अपना मुंह उठा के आता था, हाथ में बंदूक पकड़ी होती थी, पीछे सिद्धू मूसे वाले के गाने लगे होते थे और फुल्ली बदमाशी चल रही होती थी। कभी किसी वीडियो में किसी को मार रहे होते थे, कभी किसी वीडियो में कोई गंदे डांस हो रहे होते थे और किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो फिर ऐसा तो नहीं होता है ना। पर
एक अच्छी बात है, वो ये कि इसे पीटीए ने बैन किया है, और पीटीए ने जिसको भी बैन किया है ना आज तक, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो इसका भी यार अभी कोई पता नहीं है कि ये अभी बैन हुई है और ये कब अनबैन हो जाए। ये मुकम्मल तौर पे बैन होती भी है नहीं, क्योंकि पीटीए ने पहले पबजी को बैन किया था, वो भी दोबारा चल गई। बोल टीवी पे चलने वाला शो को बैन किया था, वो भी दोबारा चल रहा है। ऐड को बंद किया था, वो भी चल रही है। और इसी तरह से कुछ ड्रामास को भी बंद किया था, वो भी चल ही रहे हैं। तो टेंशन नहीं लानी, बड़ा गोश्त नहीं खाना और छोटे को ना नहीं करनी। तो टिकटॉक बैन होने को अपने दिल गुर्दे फेफड़े पे लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीदन शदीदन ये वापस अनबैन हो जाएगी। पर मेरा ख्याल है कि अब ऐसा होगा कि जो गाइडलाइंस वगैरह, जो रूल्स पहले नहीं बनाए थे ना टिकटॉक ने, वो अब बनाएगा। जो प्रोसेसिंग सिस्टम पहले नहीं बनाया था ना, वो अब बनाएगा। तो ये थी आज की निकी जिनी वीडियो। तो ये एक रोस्ट वीडियो नहीं थी, ये पता नहीं क्या वीडियो थी, इसका आप खुद ही नाम रख लेना कोई। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे लास्ट भी बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस पे लाइक भी ठोकना। और टिकटॉक बैन होने के हवाले से आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में लास्ट में बताना। तो अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया तो मुझे मेरे ब्रांचेस पे फॉलो भी कर ले। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो दिल की सत्ता अठा गहराइयों से खुश आमदीद। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, काबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर पार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो, मित्रों ते सहेलियो, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्रिया चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। अल्लाह हाफिज़।